डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ में गौरक्षक व स्वयं को भाजपा नेता बताने वाले आसिफ भारती की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। यह हत्या उस वक्त की गई जब वह अपने घर से निकलकर चंद कदम आगे ही पहुंचा था। पहले से घात लगाकर बैठे बाइक सवार दो युवकों ने उस पर गोलियां बरसा दी। आसिफ एक माह पूर्व ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। वह कुछ समय पूर्व हत्या के एक मामले में जेल गया था। उसे घायल अवस्था में सुशीला जसवंत राय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। 5 साल पहले आसिफ के भाई दिलशाद की भी इसी तरह हत्या की गई थी। बताया गया है कि आसिफ पुलिस का मुखबिर था। वह गौकशों की सूचना पुलिस को देता था, जिस कारण तमाम कसाईयों की हिट लिस्ट में उसका नाम था। हालांकि परिजनों ने परवेज समेत 5 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। आसिफ के पिता का नाम शकील है, जबकि इस घटना को भूमिया के पुल के निकट अंजाम दिया गया। इस बारे में SSP रोहित सजवाण ने मीडिया को यह जानकारी दी। थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत एक युवक आसिफ पुत्र शकील स्कूटी से जा रहे थे और इनके ऊपर जो बताया गया प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा कि 2 युवकों के द्वारा गोली चलाई गई। इनके परिजनों के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई है। और ये जो मृतक हैं, ये 1 महीने पहले ही जेल से छूट के आए। हत्या के मामले में जेल में थाना लिछाड़ी गेट से गए थे, जहां पर 2022 के अंत में एक हत्या हुई थी, जिसमें कि ये नामजद थे और वहां पर ये हत्या के केस में जेल गए थे। और कुछ 1 महीने पहले ही यहां से छूट के आए। इसमें परिजनों के द्वारा ये बताया गया कि उस मुकदमे के जो वादी पक्ष है, जिसके भाई की हत्या हो गई थी परवेज नाम का, उसके द्वारा और उससे कुछ साथियों के द्वारा मिलकर इसके ऊपर गोली चला गई, जिससे इनकी मृत्यु हुई है। पुलिस के द्वारा परिजनों से अभी बात की जा रही है, उनसे तहरीर प्राप्त करके जो अभियुक्त जो भी नामजद अभियुक्त ये देंगे, जो परिजनों के द्वारा जो नाम 4-5 नाम लिए गए हैं, उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बारे में हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास जो प्राथमिक जानकारी हमारे पास है, उसमें थाने के अंतर्गत इनके ऊपर 3 मुकदमे दर्ज है मृतक के ऊपर, और ये हत्या केस में जेल गए थे, वहाँ से 1 महीने पहले ही छूट के आए हैं। और जिनपे आरोप लग रहा है, ये दोनों पड़ोसी पक्ष हैं, जो पड़ोसी पक्ष है उसके ऊपर ही हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।